दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चले आपकी तैयारी? तो काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रहा है। समय नहीं मिल पा रहा था, ड्यूटी में व्यस्तता के चलते पर्व त्यौहार लगातार थे, उसमें थोड़ी सी ड्यूटी टफ होती है, इस वजह से वीडियो नहीं बन पाया। हालांकि जो बेसिक कुछ कुछ वीडियो हैं हम लोग के टीम के द्वारा बनाए जा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड भी हम लोगों ने ले लिया है, तो डिजिटल बोर्ड पे कुछ कुछ काम हो रहे हैं। हालांकि अभी अब कोई स्पेसिफिकली जो कंटेंट है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको भी किया जाएगा। आज वीडियो बनाने का उद्देश्य है बिहार दरोगा में जो 1275 लोग चयनित हुए हैं उनके बारे में दो तीन पॉइंट बात करेंगे, फिर चयनित के बारे में, फिर न्यू वैकेंसी के बारे में क्या कैसे करना होगा, इस पर मोटा मोटी एक हम लोग ब्रीफ करेंगे। देखिए 1275 पदों में चयन हुआ है जिनका, उनको माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र मिला है। काफ़ी फेसेस भी बनाए गए हैं उनमें, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि ऐसे नियुक्ति पत्र के लिए बड़ा सम्मानपूर्वक आप लोगों को बुलाया गया है, नियुक्ति पत्र दिया गया, बड़ा ड्रेस वर्दी के साथ अच्छा लगता है। हम लोगों के समय तो बस आयोग में बुला के नियुक्ति पत्र बांट दिया था, हम लोगों ने लाइन में खड़े होकर नियुक्ति पत्र लिया था, वो अभी भी याद है। लेकिन चलिए, ये फ्रंट फुट का जॉब है, आप फ्रंट पे रह के सब कुछ करना पड़ता है, तो इतना इज्जत इतना रिस्पेक्ट तो चाहिए ही चाहिए। अभी जाएंगे, अभी आप लोग का शुरुआत है, अभी ट्रेनिंग में जाएंगे, ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, प्रोबेशन पीरियड चलेगा 1-1.5 साल, उसके बाद फिर आप प्रॉपर सब इंस्पेक्टर बनेंगे। तो आपके पास अभी काफ़ी समय है, 1717, 2446, 2243 था शायद, अभी 1275 चौथा बैच है, तो अभी 3 बैच में सभी लोग प्रॉपर, 2 बैच हम लोग और मेरे बाद वाले सब इंस्पेक्टर हैं, उसके बाद वाले जो हैं PSI हैं, अभी आप लोग तो अभी ट्रेनिंग TSI हैं, ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर है। तो ये हो गई पहली बात, है ना, क्योंकि आपके लिए भी लॉन्ग वे टू गो है। दूसरी बात हो गई कि ट्रेनिंग सॉरी जब बच्चे ज्वाइनिंग के बाद काफ़ी बच्चे कोचिंग्स में मिलने आए अपने टीचर से, अपने मेंटोर से, तो इससे एक चीज़ में अच्छी बात है, सब लोग अभी रिस्पेक्ट मिलता है, इज्जत मिलता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 1275 ही स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन कोई भी कोचिंग जो दावा करते थे कि हम लोगों ने 300, 400, 500, 200, 175 ऐसे करके स्टूडेंट्स को अपने यहाँ से रिजल्ट दिया है, पटना में आपका कोचिंग है, तो काफ़ी लोग आने चाहिए थे, बट दो, किसी में 2, किसी में 5, किसी में 10, किसी में 50 ऐसे करके स्टूडेंट आए। उस बीच में, उस भीड़ में हमारे भी 1-2 स्टूडेंट थे, हम लोगों ने कुछ कुछ देखा था। तो इससे मतलब कहने का मेरा उद्देश्य यही है कि आपको जो कोचिंग वाले कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से 150-200 स्टूडेंट्स हैं जबकि दिखा नहीं, इसका कहने का तात्पर्य है, इसके मतलब को आप समझेंगे, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि यदि आप खुद से पढ़ेंगे, किसी छोटी कोचिंग से भी पढ़ रहे हैं, कहीं घर पे भी रह के पढ़ रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं सोचना है कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। 1275 में 800-900 बच्चे ऐसे होंगे जो सब इंस्पेक्टर बने हैं खुद के दम पे। कोचिंग आप ज्वाइन करते हैं अच्छी बात है, कोई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं अच्छी बात है, लेकिन मेहनत 90% एफर्ट आप ही को लगाना पड़ेगा। बिहार दरोगा का जो क्वेश्चंस हैं, मतलब क्वेश्चंस के लेवल हैं, वो अभी भी वैसे ही नहीं हुए कि आपको बहुत मतलब उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, उसी UPSC लेवल के, BPSC लेवल के नहीं हुए हैं कि आपको दिमाग लगाना पड़े, आपको भी अभी भी रटंत विद्या का इस्तेमाल करना पड़ेगा और टाइम दे के पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। तो इसमें कोचिंग की बड़ी महती भूमिका हमको नज़र नहीं आती, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि कैसे कैसे हुआ है कि आप बच्चे पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि यदि आप छोटे से कोचिंग से, कोई ऑनलाइन कोचिंग से, टेलीग्राम ग्रुप से, कहीं स्थानीय कोचिंग से भी जुड़े हैं और आप मेहनत लगातार करेंगे उसमें, क्योंकि जो स्टैंडर्ड सेट किया गया कि इन सब बुक्स को पढ़ना है, ऐसे करना है, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये नहीं कि हमको जाके किसी फैक्ट्री में बैठना है, किसी गुरु के पास जाना है, सबके अपने अपने च्वाइस हैं, बिल्कुल जाइए, और लेकिन आप एफर्ट नहीं कर सकते या फिर मतलब आपको पॉकेट इजाज़त नहीं देता, समय, स्थान, लोकेशन जो भी, तो ये जरूरी नहीं आप उस अफसोस में ना रहें कि हमारा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कल के रिजल्ट ने ये दिखाया भी है, कल के मतलब उस सेरेमनी ने, आप मेहनत करिएगा, 100% रिजल्ट होगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे बात करेंगे कब आएगी वैकेंसी, इसके बारे में जून जुलाई से ही जब से रिजल्ट आया है, नए वैकेंसी 2400, 1800, 2000 के आसपास आने की संभावनाओं पे बहुत सारे वीडियोस बने। हालांकि हम लोगों ने कोई वीडियो बनाया नहीं है अभी, कोई कहीं से कोई सोर्स से कोई इन्फॉर्मेशन मिला नहीं, लेकिन जैसे कल माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार के DGP को
कहा है कि बाकी जो बची हुई प्रक्रियाएं हैं, जो बची हुई वैकेंसी है, उसको जल्द से जल्द पूरा कराएं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग इस पर जल्द काम करेंगे। तो इस बिहार पे कहा जा सकता है कि वैकेंसी आएगी, सब इंस्पेक्टर की भी आएगी, बिहार पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल होता है तो फिर एक वैकेंसी आएगी। पदों की संख्या बची हुई है, चुनावी साल है तो वैकेंसी जाएगी। बिहार कांस्टेबल की तरह हम लोग बिहार सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए बात करेंगे, तो यदि आना होगा वैकेंसी तो 2000 के आसपास, 1800-2000 आ सकती है। मैं श्योर नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा कोई हमारा अभी इंटरनल सोर्स नहीं है, लेकिन वैकेंसी आनी चाहिए जिस हिसाब से एक गर्म हवा चल रहा है। इसमें अब क्या करना होगा कि वैकेंसी, देखिए बिहार सब इंस्पेक्टर का ये जॉब जो है बड़ा ल्यूक्रेटिव जॉब हो गया है, बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब नेम फेम सब कुछ मिल रहा है। ऐसे में तैयारी करने के लिए आपको शुरू से ही लगना होगा, सिलेबस को समझना होगा, क्योंकि अब के टाइम में ऐसे लोग हैं जो बहुत पहले से लगे हुए, किसी किसी रीजन से छंट जा रहे हैं। तो आप सोचेंगे कि जब वैकेंसी आएगी तो हम लोग पढ़ेंगे, तो ये आपकी भूल है, भ्रम है, वहाँ नहीं रिजल्ट होगा। एक चीज़ का ये ध्यान रखना है पहले, और दूसरी चीज़ की आप किताबों के पीछे बहुत भागेंगे कि अच्छा अभी तक किताब, 2 महीना किताब खोज लेते हैं, फिर उसके बाद जब वैकेंसी आ जाएगी तो किताब शुरू करना है, गलत स्ट्रेटेजी होगा। कोई भी बुक जो मार्केट के सबसे बेस्ट चुनिंदा बुक्स हैं, आपने कई वीडियोस देखे हों, कई इंटरव्यू देखे होंगे, कई कि हमारे यहाँ से हुए ऐसे हुए, लेकिन सब में जो कॉमन बात होगी वही 2-4-5 बुक को बताने का तरीका, पढ़ने का तरीका, लूसेंट, एनसीईआरटी, घटना चक्र और दृष्टि, स्पीडी वगैरह। इसके अलावा कोई आपको मार्केट में अफलातून बुक नहीं बताएगा कि इसको पढ़ लीजिए, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो क्यों नहीं आप शुरुआत ही उस बुक से करें और उस बुक पे कंटिन्यू फोकस करते हुए अपने आप को मतलब स्ट्रॉन्ग बनाएं, मतलब अपना बेस मजबूत करें। लूसेंट के साथ तैयारी शुरू कीजिए, लूसेंट, लूसेंट, लूसेंट क्राउन, लूसेंट क्राउन को मैं तो अलग अलग वर्ग नहीं रखता, लूसेंट या क्राउन दोनों में से एक बुक लीजिए। साथ ही साथ एनसीईआरटी 6-10 आपको अब समय देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ साइंस के ऐसे प्रश्न हैं जो मतलब स्टेटमेंट टाइप के आते हैं, बीपीएससी वगैरह टाइप के, तो साइंस को आपको 6-10 में एनसीईआरटी से कवर कर लेना होगा। 9 और 10 में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं ये बात हमेशा बताता हूँ, फिर से इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप उसी बुक पे फोकस करें। स्पीडी के भी कंटेंट अच्छे हैं, दृष्टि भी हम लोगों ने कराया है, दृष्टि का भी कंटेंट अच्छा है, लेकिन यदि आप शुरुआत शुरू से शुरू करना चाह रहे हैं तो लूसेंट से पढ़िए, लूसेंट शुरू करिए। लूसेंट 2-3 बार पढ़िएगा तो आपको घटना चक्र पढ़ने का आइडिया, दृष्टि, स्पीडी पढ़ने का, महेश वर्मा पढ़ने का आइडिया आ जाएगा। लूसेंट से शुरू करिए, क्राउन से शुरू करिए। क्वेश्चन यदि 100 में 35 प्रश्न 40 प्रश्न इस बुक से भिड़ते हैं तो इससे बड़ा गीता कोई नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। इनसे एनसीईआरटी 6-10 पढ़ी हम लोगों ने अपने टेलीग्राम पे, इसको बड़े बेहतर ढंग से कराया था, फिर कराएंगे एक नए बैच की हम लोग शुरुआत हो सकता है नवंबर में करें, 15 नवंबर के बाद करेंगे स्पेसिफिकली दरोगा बैच के लिए। वो इसलिए कि यदि आप मेहनत करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे और बैच में लगातार टेस्ट देंगे तो रिजल्ट होगा, और बड़े सारे रिजल्ट हुए हैं। यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं तो लूसेंट से शुरुआत कीजिए, लूसेंट को 15-20 दिन में, 25 दिन में रट जाइए, एनसीईआरटी का बुक लाइए, और पढ़ने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता तो घटना चक्र का बुक लीजिए, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, उसमें कंटेंट बहुत बेहतर तरीके से दिया हुआ। इन सब चीज़ों से शुरुआत कीजिए, रिजल्ट होगा। किसी बहुत कोचिंग के बड़े होर्डिंग के भुलावे में कि नहीं यही वाला कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कल के आप लोगों ने सेरेमनी में देख लिया है, उसके बाद पोस्ट सेरेमनी में मेहनत करिए, छोटा कोचिंग, बड़ा कोचिंग, टेलीग्राम, यूट्यूब, कहीं से भी मेहनत, उसी पे फोकस्ड हथौड़ा चलाइएगा तो रिजल्ट बड़ा ढंग से होगा। और अभी से शुरू कीजिएगा बिहार एसएससी के भी एग्ज़ाम, पता नहीं जब भी होंगे उसका भी सिलेबस कवर होगा, बिहार दरोगा का भी सिलेबस कवर होगा, एग्ज़ाम 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 होने वाला है, तो तैयारी एकदम डट के करना है, रिजल्ट लेना है इस चुनावी साल, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल पे सब्सक्राइब कर लो भैया, जय हिंद।